नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाल पिस्टी गेम चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आपके हाथ में अधिक धनमान बनाने वाली रेखाएं हैं, आप जिंदगी में ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हैं, एक लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। यह हमारी जीवन रेखा, जीवन रेखा हम एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है। कुछ भी एक्टिविटी होती है हम जीवन रेखा के ऊपर देखते हैं। ये मस्तिष्क रेखा, हमारे विचार, हमारे सोचने की शक्ति, उसके बारे में बताता है। यह हमारी हृदय रेखा, हम किसी के साथ कितना इमोशनल है, हमारा कितना भावुकता प्यार है, उसके बारे में बताती है। अधिक धनवान बनाने वाली रेखा, अधिक पावर देने वाली, आपको आपके ग्रहों की स्ट्रेंथ बताती है। आपकी रेखाओं के द्वारा ये आपके पर्वत बताते हैं। ये बुध का पर्वत है, बुध का पर्वत, ये बुध की फिंगर बड़ी है, तो आपकी वैसे भी बोलने की कला बहुत महारत है। हर चीज में सफलता आपको मिलने वाली है, जिंदगी में हर एक्टिविटी आपके साथ है। हर एक्टिविटी के साथ, किसी के साथ बैठकर आप उस चीज का निर्णय कर सकते हैं, चाहे बिजनेस का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। अगर आपकी बोलने की कला है, दम रखते हैं बोलने की, तो वो सारी चीजें मिलने वाली है। ये सूरज की एक्टिविटी है। सूरज क्या है? एक प्रकाश, एक मान, एक सम्मान है। अगर आपका मान सम्मान, आप यश प्राप्त करते हैं, तो हमारी ये सूरज रेखा ही बताती है, सूरज का पर्वत बताता है। शनि रेखा, माफ करना, ये शनि का पर्वत है। ये शनि का पर्वत और शनि की फिंगर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली स्ट्रेंथ, जिसको हम भाग्य रेखा बोलते हैं, फेट लाइन बोलते हैं, उस चीज को दर्शा रही है। अब हम अचानक से, कई बार क्या होता है कि अचानक से हमें धन मिल जाता है, वो रेखा कौन सी है? ये हमारी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा अचानक से धन के बारे में संकेत देती है। अगर ये पावर है, ग्रह की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आपको अचानक से सब चीजें प्रोवाइड होने वाली है। अब ये हमारे मून के क्षेत्र से, इस भाग रेखा में ये दो तीन रेखाओं मिलने का संकेत आपके भाग को वृद्धि करने वाली है। अचानक से पैसे मिलने वाले हैं या कोई अचानक से तरक्की होने वाली है। चंद्रमा का क्षेत्र मन के विचारों को दर्शा देता है, आपकी जिंदगी की प्रोग्रेस को बता देता है। आपकी एक्टिविटी जो है, आपकी सोच क्या है, आपकी शक्ति क्या है, चंद्रमा है। आप अपने घर से दूर व्यवसाय करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में व्यवसाय करते हैं, तो वहां पे आपको निरंतर सफलता मिलने वाली है। ऐसी भाग्य रेखा अचानक से ग्रोथ करती है, अचानक से आपके धन में वृद्धि कर देती है। अब इसी के साथ एक और शुभ साइन देखते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। भाग्य रेखाएं हमेशा जिंदगी के एक लक्ष्य को पाने का संकेत देती है। हमारी ये जो भाग्य रेखा है, अगर भाग्य रेखा से एक रेखा हमारे सूर्य के पर्वत पर जा रही है और ये जीवन रेखा से ऊर्ध्वमुखी रेखा है, जिसको हम बोलते हैं प्रयास रेखा, निरंतर रेखा, सफलता रेखा अगर है, तो आप इसी अपने बिजनेस, ये बिजनेस है, एक बिजनेस की रेखा भी आपके इस आपके जीवन रेखा से निकल के आपके बुद्धि के पर्वत पर पहुंच रही है। ऐसे लोग जिंदगी में बहुत तरक्कियां करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, और ये बुद्ध पे खड़ी रेखाएं आपके बोली वाणी को और प्रखर कर रही हैं, मजबूत कर रही हैं, बिजनेस सेंस को मजबूत कर रही हैं, बुद्ध की एक्टिविटी और ये मान सम्मान को प्राप्त दिला रही हैं। ऐसी रेखा आपको जिंदगी में सफलता दिलाती है।
ऐसी भाग रेखा आपको अकूत धन संपदा की मालिक बना देती है। और क्या आपको व्यवसाय आपका प्रॉपर चले, कई बार क्या होती है रेखाएं जो होती हैं हमारी हमारे भाग्य को गिराने का काम करती हैं। अब ये भाग रेखा है, जैसे अभी हमने यहां से चंद्रमा से ये रेखाएं बताई, आपके मिलने का संकेत बता रही है प्रोग्रेस का, लेकिन ये भाग रेखा जो है ये कटनी नहीं चाहिए, नहीं तो आपके भाग में गिरावट आ जाएगी, आपके भाग में रुकावट आ जाएगी। अब इसी के साथ एक और साइन देते हैं, जो कि आपको कई बार सोचते हैं कि हमें व्यवसाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिजनेस को लेके क्या उसमें हमें सफलता मिलेगी। अब उस चीज को देखते हैं, सफलता हमारी भाग रेखा ही बताती है, भाग रेखा ये प्रबल है। भाग रेखा प्रबल का होना मतलब जिंदगी के एक लक्ष्य को पाना है। आप अपनी लाइफ में बिजनेस के दम पर, या आपकी सफलता जो होती है बिजनेस के व्यवसाय के दम पर, आपको एक मुकाम पे एक अधिक धनवान बना देती है। अगर आपकी बिजनेस लाइन या आपकी फेट लाइन मजबूत है, अब यहां से ये जीवन रेखा से निकलकर एक आपकी प्रोग्रेस रेखा, इसी का साथ एक और रेखा, और रेखा जिंदगी में एक से एक तरक्कियां को दिखा रही है, और यहां से एक रेखा आपके गुरु के पर्वत पर पहुंच रही है। जैसे कि आपको हर वीडियो में मैं बताता हूं, गुरु एक ज्ञान का कार्यक्रम माना जाता है, एक विस्तार का ग्रह माना जाता है। ऐसे लोगों का ज्ञान या पार्टनरशिप करते हैं तो जिंदगी में एक तरक्कियां पाते हैं, हर सफलताएं उनको मिलती हैं। अगर हमारी भाग रेखा से एक रेखा निकलती है और ये हमारी उर्दुमुखी रेखाएं, महत्वाकांक्षाएं रेखाएं हमारी इस जीवन रेखा से निकलती हैं, तो जिंदगी में आपको अधिक धनवान बनाती है। ऐसे लोग अधिक धनवान बनते हैं, चाहे अपना व्यवसाय करें या किसी के व्यवसाय के साथ जुड़कर काम करते हैं, उनको अथाह सफलता मिलती है। और ये बुध की जो रेखा है ये एक्टिविटी को बढ़ाती है। हस्तरेखा में बुध का पर्वत जो है, ये पर्वत है अगर ये उठा है, इस पे खड़ी रेखाएं हैं, और ये बुध की फिंगर जो है ना, ये सन के पहले पोर तक है। आप ऐसे भी हर डिग्री को जीत लिए, हर चीज को जीत सकते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस सेंस बहुत मजबूत है, आप बैठे बैठे काम कर सकते हैं, बोली से आपके जो बोलने की कला है बहुत ही अच्छी है, बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करते हैं हर चीज को, और ये सफलताएं आपको दे रही है, और ये ग्रहों की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो जिंदगी में आप अवश्य धनवान बनेंगे। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।